शहनाज गिल पर एक बार फिर से टूटा दुख का पहाड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देख न्यूज। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल के पिता पर पंजाब के अमृतसर में जानलेवा हमला हुआ। आपने सही सुना, एक्ट्रेस के पिता संतोष सिंह ने दो दिन पहले ही भाजपा ज्वाइन की थी और वे यहां कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अमृतसर से ब्यास के लिए रवाना हुए थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला किया। खबरों की माने तो संतोष सिंह ने बताया है कि एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अमृतसर से ब्यास के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में जंडियाला गुरु इलाका में स्थित गुरदासपुरिया के ढाबे के पास उनके सुरक्षा कर्मी शौचालय गए थे। इस दौरान वे गाड़ी की चालक की सीट पर बैठे हुए थे, तभी बाइक सवार दो अज्ञात युवक वहां पहुंचकर रुक गए। वे कार का शीशा नीचे कर उन्हें पहचानने का प्रयास कर रहे थे, तभी बाइक चालक के पीछे बैठे युवक ने गोलियां चला दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस बीच गाड़ी के पास खड़े सुरक्षा कर्मियों ने बाइक सवारों पर ईंट उठाकर मारी, हालांकि वे मौके से फरार हो गए। गिल के पिता ने कहा कि वे पुलिस रवैये के खिलाफ सोमवार को अपने साथियों के साथ एसएसपी दफ्तर का घेराव करेंगे। बता दें कि बिग बॉस 13 के दौरान शहनाज के साथ साथ उनके पिता संतोष भी काफी पॉपुलर हो गए थे। वह उस सीजन में बिग बॉस के घर में भी नजर आए थे। इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी कि शहनाज गिल के पिता संतोष अभी फिलहाल एकदम स्वस्थ हैं और मामले को लेकर पूरी जांच जारी है। फिलहाल आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।